नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित बिल्कुल आर्मी के नए पैटर्न पर आर्मी जीडी का मॉडल पर करवाएंगे, जो कि आपका पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा देना है। अगर आपका भी सपना है आर्मी में जाने का, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा देना है। मात्र आधा घंटा का टाइम लगेगा और आपका पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट लग जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा दीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है, तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बन रहो। वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा कि आपको इस क्लास पीडीएफ कैसे मिलेगा। और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना कि आपका पूरे 50 प्रश्नों के पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, व्हेन डिड मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड इंडिया। आपको बताना है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कौन से साल में किया था। बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है 712 ईस्वी, ऑप्शन बी 825 ईस्वी, ऑप्शन सी 1025 ईस्वी, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1027 ईस्वी। अगर आपको पता है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन नंबर है 712 ईस्वी बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन को। दो नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन्स वाज प्रोड्यूस द मोस्ट इन द ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको बताना है कि हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ था। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा कि हरित क्रांति में कौन सा मतलब कि खाद्य पदार्थ का उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में हुआ था। ऑप्शन है तिलहन, बी गेहूं, सी गन्ना, या फिर ऑप्शन डी दलहन। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो फौजी दोस्त ऑप्शन बी गेहूं बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है वो आपका एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो होता है वो आपका केरला होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन है केरल बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन की ओर है। चार नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु प्रोपोन्ड द लॉ ऑफ मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। आपको बताना है कि ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है केपलर, बी गैलीलियो, सी न्यूटन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है कि ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन चार आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए केपलर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन की ओर। पांच नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द सोलर सिस्टम। आपको बताना है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है पृथ्वी, बी शुक्र, सी शनि, या फिर ऑप्शन नंबर डी सूर्य। जल्दी से बताइए कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो देखिएगा, सौरमंडल का जन्मदाता जो कहा जाता है वो आपका सूर्य को कहा जाता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सूर्य, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छः नंबर क्वेश्चन की ओर है। छः नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हु इज़ द टॉलेस्ट टावर ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत का सबसे ऊँची मीनार कौन है। ऑप्शन है चार मीनार, ऑप्शन बी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी झूलता मीनार, या फिर ऑप्शन नंबर डी शहीद मीनार। जल्दी से बताइए कि भारत का सबसे ऊँची मीनार कौन है। तो भारत का सबसे ऊंची मीनार जो होता है वो आपका कुतुब मीनार होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कुतुब मीनार, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और कुतुब मीनार जो होता है वो आपका दिल्ली में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और चार मीनार जो होता है वो आपका हैदराबाद में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सात नंबर क्वेश्चन को। और सात नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि शांति निकेतन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि शांति निकेतन निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन की ओर है। आठ नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हेन वाज़ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। आपको बताना है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कौन से साल में किया गया था। जल्दी से बताइएगा कि LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना कौन से साल में हुआ था। ऑप्शन चार आपके सामने है, तो जल्दी से आपको एक सटीक आंसर बताना है लाइव चैट में। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1956 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 1 सितंबर 1956 को LIC का स्थापना हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो होता है वो आपका मुंबई में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 9 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा कि GST ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच कंट्री मॉडल, आपको बताना है कि भारत का GST किस देश के मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन है कनाडा, बी अमेरिका, सी चीन या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैं आपका टाइम बहुत ही कम लेता हूं तो जितना जल्दी हो सकता है इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कनाडा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और मैं आपसे भी बता दूँ कि GST दिवस जो होता है वो आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि भवाई इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, आपको बताना है कि भवाई किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य होता है। ऑप्शन है हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। जल्दी से बताना कि भवाई किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राजस्थान यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इन विच फील्ड इज द सरस्वती सम्मान अवार्ड गिवन, आपको बताने कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत, साहित्य, पत्रकारिता या फिर ऑप्शन नंबर डी नृत्य। जल्दी से बताइएगा कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपको टाइम मिलेगा 5 सेकेंड का, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी सहित बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 12 नंबर क्वेश्चन में शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेरियार नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल, आपको बताना है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हिरन, ऑप्शन सी बाघ है या फिर ऑप्शन नंबर डी हाथी। जल्दी से बताइए कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हाथी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मैं आपसे भी बता दूँ कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो आपका केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? केरल राज्य में स्थित है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 13 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी फौजी भाइयों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर दो। मैं आप सभी से बार बार नहीं बोलता हूँ तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर दो। जब आप अपने हाथों से एक लाइक करते हो तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ऐसे ही मॉडल पर क्लास लेना है तो आप सभी से रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबा लो। आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसे प्रेस करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस करना, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास उठ भी जाएगा। और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हो तो हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। ऐसे ही हमारे एक विशाल पांडे दोस्त हैं जो बहुत हमें हेल्प किए थे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए थे, उनको दिल से शुक्रिया मेरे दोस्त। आप भी शेयर करो, आपका भी नाम लिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, जितना जल्दी हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर दो। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इन विच इंडियन स्टेट विशाखापट्टनम पोर्ट इज लोकेटेड, आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। बहुत सारे लड़कों ने इसका राइट आंसर लाइव चैट में बता भी दिया है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि पीपल ऑफ विच रिलीजन सेलिब्रेट बैसाखी फेस्टिवल, आपको बताना है कि बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। ऑप्शन है सिख धर्म के लोग, ऑप्शन बी हिंदू धर्म के लोग, ऑप्शन सी मुस्लिम धर्म के लोग या फिर ऑप्शन नंबर डी ईसाई धर्म के लोग। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिख धर्म के लोग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखो और लास्ट में आपको सेक्शन वाइज करके आंसर बताना है कि आपका पार्ट 1 जीके का टेस्ट में कितना होता है, पार्ट 2 जनरल साइंस का टेस्ट में कितना होता है, पार्ट 3 गणित में कितना होता है और पार्ट 3 रीजनिंग में आपका कितना होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा देना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन है यमुना, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा या फिर ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी नर्मदा बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट है। और मैं आप सभी को बता दूं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो होता है आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा पार्ट बी जो कि आपका जनरल साइंस का होता है, तो जिसमें आपका 15 क्वेश्चन होगा जिसमें आपका हर क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट टेस्ट को पूरा दीजिएगा और लास्ट में कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों के पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है
डिस्कवर द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। आपको बताने की चर्चा के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है लुई पाश्चर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी जोनास साल्के, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है फौजी भाई ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर, जो भी ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया था। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है वेर आर रेड ब्लड सेल्स, यानी कि आरबीसी जो होता है, यानी कि लाल रक्त कणिका जो होता है उसका निर्माण कहां पर होता है। जल्दी से बताइएगा कि लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी बोन मैरो, या फिर ऑप्शन नंबर डी किडनी। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और मैं आप सभी बता दूं कि आरबीसी का यानी कि रेड मतलब कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल जो होता है वो आपका 120 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 120 दिनों का होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एसएसजीडी के फॉर्म निकल चुके हैं। अगर आप भी चाहते हो एसएसजीडी की अच्छी तैयारी करना, अच्छा से प्रिपरेशन करना और सिलेक्शन पाना, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर बहुत ही तेजी से ग्रो होने वाला पब्लिशर है जो कि आपका चक्षु पब्लिकेशन है। तो उनका बुक आया है, बहुत ही बेस्ट बुक है, जिसमें आपको एसएसजीडी का संपूर्ण तैयारी करवा दिया जाएगा। अगर आप स्टडी गाइड को लेते हो तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। सभी का लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उनका बुक बहुत ही बेस्ट है मेरे दोस्त, रामबाण साबित होने वाला है। तो आप जाकर के जल्दी से चक्षु पब्लिकेशन का बुक को बाय करिएगा। और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर वन शॉट का पीडीएफ भी शो कर रहा होगा, देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल दमदार है, बहुत शानदार है। आप जाकर के जल्दी से बाय करना। सभी का लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। जल्दी से बताने कि रक्त को थक्का जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। ऑप्शन है कैल्शियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी तांबा। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताओ। इसका संकेत भी याद करो, मैंने इसका संकेत भी लिख लिया है ताकि आपका यहाँ से भी एक नंबर ना छूटे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इन चारों का संकेत भी याद रख सकते हो। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैल्शियम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प यानी कि विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। ऑप्शन ए रेफलेसिया, ऑप्शन बी वुल्फिया, ऑप्शन सी कमल, या फिर ऑप्शन नंबर डी सूर्यमुखी। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप 1 सेकंड रुकिएगा या 2 सेकंड रुकिएगा, आपको आंसर पता चल जाएगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रेफलेसिया, जो भी ऑप्शन है लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और मैं आपसे भी बता दूं कि रेफलेसिया मतलब कि ये जो हमारा रेफलेसिया होता है वो आपका मलेशिया और इंडोनेशिया में मुख्यतः पाया जाता है, यानी कि हमेशा प्राय जो होता है वो आपका मलेशिया में देखने को और इंडोनेशिया में देखने को आपको मिलेगा, इसे आपको ध्यान रखिएगा। और बुल्फिया की बात करो तो बुल्फिया जो होता है वो आपका छोटा होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को, और 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन द बॉडी। आपको बताना कि पीयूष ग्रंथि शरीर में कहां अवस्थित होती है। जल्दी से बताइए कि पीयूष ग्रंथि जो होता है वो शरीर में कहां पर अवस्थित होती है। ऑप्शन है हृदय के नीचे, ऑप्शन बी उदर यानी कि पेट के नीचे, ऑप्शन सी मस्तिष्क के नीचे, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा कि पीयूष ग्रंथि जो होता है वो आपका मस्तिष्क के नीचे में अवस्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच हार्मोन इज कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। आपको बताने कि कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन सर आपके सामने है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एड्रेनल यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। आपको बताना है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। जल्दी से बताना है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 8, या फिर ऑप्शन नंबर डी 8.4।
तो देखिएगा, मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो आपका 7.4 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7.4 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको बताना कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन न्यूटन, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी एम्पियर या फिर ऑप्शन नंबर डी मीटर। जल्दी से बताना कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो आपका टेस्ला होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी टेस्ला यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका को पावर हाउस कहलाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। ऑप्शन है राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकांड्रिया, ऑप्शन सी लाइसोसोम या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी माइटोकांड्रिया जो भी बताया हो उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फ्यूल यूज टू ड्राइव अ रॉकेट। आपको बताना है कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है। और मैं आपसे भी बता दूं कि आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, ये हमारा ट्रेन जो चलता है, मैं बहुत ही मुश्किल से वीडियो बनाता हूं, मेरे दोस्त आप खुद सुन सकते हो, आपको ट्रेन का वॉइस भी सुनाई देगा। तो देखिएगा, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन जो कहलाता है वो आपका परनोदक कहलाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए परनोदक यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बहुत ही मुश्किल से मैं आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ, यहाँ पर साइड में ट्रेन भी चलता है, हमारा जो घर है वो मतलब कि ट्रेन रेलवे मतलब कि रेलवे स्टेशन के बहुत ही करीब है, इसके कारण बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज आता है, मुझे बहुत रातों रात में जगकर वीडियो बनाना पड़ता है ताकि जब मतलब कि ट्रेन जो जब रुका हो तभी मैं वीडियो बना पाता हूँ आप सभी के लिए, बस आप सभी के लिए बनाता हूँ। यार आप सभी से रिक्वेस्ट है, कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, आपका इतना काम तो बनता है, कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर करो, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ग्रुप है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करो। बहुत सारे लड़कों ने हमें बहुत दिल से सपोर्ट किया, उनको दिल से शुक्रिया बोलता हूं मेरे दोस्त। जो भी बंदे हमारे वीडियो को व्हाट्सएप मतलब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं उनको दिल से शुक्रिया मेरे दोस्त। अभी आपको आवाज़ भी सुनाई दिया होगा, बहुत ही मुश्किल हो मेरे दोस्त, आप खुद सोच सकते हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जितना जल्दी हो सके हमको सपोर्ट करो। आप सभी से अगर आप सपोर्ट करोगे तभी हम लोग आगे जा पाएंगे। तो आप सभी से सपोर्ट करना है, शेयर करना है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक भी करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्राउन कोल। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। ऑप्शन है बिटुमिनस, ऑप्शन बी कोक, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट या फिर ऑप्शन नंबर डी लिग्नाइट। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी लिग्नाइट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस। आपको बताना है कि हंस गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है N2O यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ग्लास इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि बिजली का बल्ब के निर्माण के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है पाइरेक्स कांच, ऑप्शन बी क्राउन कांच, ऑप्शन सी फाइबर कांच या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्लिंट कांच। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन नंबर डी फ्लिंट कांच बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को, और 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि माचिस की तिलिया के नोक में क्या होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाल फास्फोरस या फिर ऑप्शन नंबर डी सल्फर। जल्दी से बताना कि माचिस की तिलिया में मतलब कि माचिस की तिली का जो नोक होता है उसमें क्या पाया जाता है। देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी लाल फास्फोरस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को, और 30 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि हमारा जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि हु इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। आपको बताना है कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि रसायनों का राजा के नाम से किस अम्ल को जाना जाता है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक अम्ल बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट होगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका H2SO4 होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारा जनरल साइंस का क्लास खत्म होता है, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखो, हमारा मैथ और रीजनिंग का भी क्लास होगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको कमेंट में जय हिंद जय भारत भी जरूर लिखना, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। आपको कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको PDF लेना है तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। और हमारा हर सुबह 9 बजे आर्मी का लाइव क्लास होता है, मैं ही लाइव क्लास लेता हूँ, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों आज के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।